मध्य प्रदेश रीवा में मुस्लिम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा NCRC के विरुद्ध में रीवा नगर में रैली निकाली गई। बरेली छोटी दरगाह से बिछिया सेल्फी प्लाजा सिरमौर चौराहे तक निकाली गई और रीवा बंद का आह्वान किया गया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानें भी बंद करवाई है। इस रैली में सैकड़ों संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्रेकिंग एक्सप्रेस न्यूज के लिए मध्य प्रदेश रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। क्वेश्चन है क्या? हाँ, क्वेश्चन हम लोग आज बहुजन क्रांति मोर्चा के साथ संयुक्त रूप से भारत बंद की घड़ी में रीवा को बंद करा रहे हैं। यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुर्ता CA के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में जो प्रदर्शन चल रहा है, हम लोग भी CA जब तक वापस न ले लिया जाए तब तक निरंतर इस समाज का धरना प्रदर्शन आंदोलन चलता रहेगा। हमारी सरकार तक आवाज़ पहुँचाना हमारा मकसद है। हम लोग कुर्ता रीवा बंद की ओर अग्रसर है। शौकतुल्ला खान के खिलाफ जो ये काला कानून मोदी सरकार द्वारा लाया गया है उसके खिलाफ हम भारत बंद करवा रहे हैं, और जब तक कि ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा ये मुहिम इसी प्रकार से चलती रहेगी। आज हम भारत बंद कर रहे हैं, कल धरने और प्रदर्शन में बैठेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे हो सकेगा उतना आगे जाएंगे। आफ्ताब खान जो लागू किए हैं CA, तो इसको हम लोग ये जो काला कानून बना इसके आधार पर हम लोग इसको भारत आज बंद करा रहे हैं। इसके वजह से हर धर्म के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए हम सारे बहुजन क्रांति मोर्चा के साथ मिल के सारे संगठन के लोग भारत बंद करा रहे हैं। जब तक ये सरकार ये कानून वापस नहीं लेगा या इसमें संशोधन का, हम लोग इसी तरह जंग करते रहेंगे, सबको साथ में लेकर लड़ते रहेंगे। मेरा नाम